नमस्कार लोक कल्याण कार्यक्रम को स्वागत करुच्छी लालमोहन। 75 वर्षर आम स्वाधीनता और गणतंत्र 7.5 दशंधिर विकास यात्रा ग्राम सभा पंचायत रु संसद लोकमत ही सबुठ पूरण होकों आकांक्षा सरकार को माळमाळ योजना प्रति सप्ताह गोटे सरकारी योजना को नहीं आम लोड़बू आपण को मत सरकार फेल पास आवरेज ना एक्सलेंट आपण करेंगे आकलन यह आम विशेष कार्यक्रम लोक कल्याण। आज आम लोक कल्याण देखा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। मोदी सरकार को 8 वर्ष द्वितीय पाली तृतीय वर्ष आवसर में देवभूमि मोदी गरीब कल्याण किपर गरीब कल्याण अन्न योजना देशवासी सहायक हो पारी से कथा कही प्रधानमंत्री मोदी मोदी यह कार्यक्रम को देशर विभिन्न अंचल लोके सीधा सीधा देखी शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान मोदी सरकार ए देशर गरीब जनता किपरि करिछंती गरीब कल्याण केही भुकिला रहिबे नाही समस्तंक पाखरे पहुंचिबो खाद्य विश्वर एक नंबर फ्लैगशिप प्रोग्राम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जेतेबेले सारा देश कोरोना कबळरे छटपट होतला सेतेबेले गरीबंक पई सहायक होची मोदी सरकार को गरीब कल्याण योजना विपद समय एक सुदीर्घ कांथ होई छिडाउछि लोकों पाखे खाइबा पहुँची लोकों पाखे टंका पहुँची घरे रही भी लोके बचाक समर्थ होती बड़ कथा निकटने देवभूमि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना द्वितीय पाली सरकार तृतीय वर्ष देश को प्रधानमंत्री बार्ता चाषी खाता को गला पीएम किसान किस्ती टंका समग्र देश में सरकार और बीजेपी मोदी 8 वर्ष प्रधानमंत्रीत्वर बड़ उत्सव ओडिशा रे गरीब कल्याण योजना हिताधिकारी को केंद्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को वार्ता गरीब से गरीब दलित हो पीड़ित हो शोषित हो वंचित हो दूर सुदूर जंगलों में रहने वाले लोग हो पहाड़ी की चोटियों पर रहने वाले छूटपुट रहने वाले एकाध दो परिवार हो हर किसी का कल्याण करने के लिए जितना ज्यादा काम कर सकता हूँ उसको करता रहूं। हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स का 100% गवर्नमेंट असिस्टेंस जो है उसको देने का प्रयास किया गया है। गरीब कल्याण अन्न योजना दिस हैज बीन अप्रिशिएटेड वर्ल्ड ओवर। इट हैज बीन अप्रिशिएटेड बाय IMF, इट हैज बीन अप्रिशिएटेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज बीन अप्रिशिएटेड बाय UN जनरल असेंबली, एवरीबडी हैज अप्रिशिएटेड इट। क्यों? क्योंकि कोरोना के दौरान हेल्थ इश्यूज के साथ साथ इकोनॉमिक इश्यूज को किसी ने भी रिजॉल्व किया तो उसमें भारत नंबर एक पर खड़ा है। 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं देना, 5 किलो चावल देना, 1 किलो दाल देना, 2 साल से इस काम को चलाए रखना, ये अति गरीबी की रेखा को 0.1% से भी जो 0.8% पे ले जाने में ये बहुत लाभकारी रहा है। केन्द्र में बीजेपी सरकार को 8 वर्ष कार्यकाल पूर्ति सहित द्वितीय पाली तृतीय वर्ष में सिमलारे गरीब कल्याण सम्मेलन में पीएम किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत 11 किस्ती टंका चाषी बैंक अकाउंट में जमा कर देशर प्राय 10 कोटी चाषी बैंक खातार 21,000 कोटी टंका ट्रांसफर कर प्रधानमंत्री। भारतवासी की सुख शांति की जिंदगी कैसे मिले उसी एक भाव से गरीब से गरीब दलित हो पीड़ित हो शोषित हो वंचित हो दूर सुदूर जंगलों में रहने वाले लोग हो पहाड़ी की चोटियों पर रहने वाले छूटपुट रहने वाले एकाध दो परिवार हो हर किसी का कल्याण करने के लिए जितना ज्यादा काम कर सकता हूँ उसको करता रहूँ। देशर विभिन्न स्थान रे केंद्र मंत्री मान उपस्थित रे एक गरीब कल्याण योजना कार्यक्रम आयोजित होता कटक महांगा बराहीपुर ठारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सुशासन 8 वर्ष पूर्ति उपलक्षे आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन सीधा प्रसारण को हजार हजार समवेत जनता देखिथिले। महांगा आयोजित एक कार्यक्रम रे केंद्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान उद्बोधन देथिले केन्द्र महत्वाकांक्षी योजनार लाभ किपरि लाभार्थी पाइछन्ती से कथा कहिथिले केन्द्रमंत्री। ओडिशार 33 लक्ष पंजीकृत चाषी भाई भौनी बैंक खातारे 73 कोटी टंका पाई लाभवान होइछन्ती। महांगा परी ओडिशार अन्य स्थान आयोजित होता एक कार्यक्रम बालेश्वर ढेंकानाल नयागढ़ जगत सिंहपुर मयूरभंज नुआपड़ा एवं जलेश्वर ये हूँ दृश्य। आज आम मोदी 8 वर्ष गरीब कल्याण सम्मेलन आम दायित्व
एक कोटि लोकों घरे सुख समृद्धि स्वाभिमान संपन्नता पहुंचेबार जो स्वप्न नरेंद्र मोदी देखी ताकू पहुंचेबा आज संकल्प नवा जगामी दुई वर्ष पर्यंत अथक परिश्रम करके नरेंद्र मोदी स्वप्न को ओडिशार घरे घरे पहुंचेबा ना सरकार योजना सफल किंतु आम उपकृत हो गोटे थर मु पाई 2000 मैंने बहुत बहुत भल योजना लोकामुखी योजना कर गरीब हटियापाई जो जो योजना सब कराई आज तार हूँ 11th इनस्टलमेंट आज तार चाषी भाई मान को आमर हिताधिकारी जीव आ सहित अन्न्य आमर उज्ज्वला योजना मध्यम 9 crore के पाखापाखि आमर चाषी भाई मान माँ मान को दिखाई हिताधिकारी मानंको सहित आलोचना करथिले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। आज आम समस्ते मोदी सरकार को 8 वर्ष सेवा सुशासन और गरीब कल्याण पर्वर साक्षी होइछु। गुजरात रो मुख्यमंत्री हेबाठारु प्रधानमंत्री हेबा पर्यंत दीर्घ 20 वर्ष यात्रा रे कृषि रो विकास और कृषकों कल्याण पई सर्वदा प्रधानमंत्री बद्ध परिकर बोली कहिछन्ति धर्मेन्द्र प्रधान। मोदी पठौथुबा न्याय उचित गरीब अधिकार को जेतेबेले एठिकार स्थानीय शासन में बसिथिबा मदमस्त दुर्नीति खोर लोक माने ओडिया लोक मानको मोदी कटु दूर रखे जे ओडिया लोकन को रोजगार देई पारे नहीं जे ओडिया लोकन को पैसा रे मौज मस्ती करे से सरकार को बदलेवार समय आछे। अन्य पक्षरे बीजेपी रो गरीब कल्याण सम्मेलनरे राज्य सरकार को उपरे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को हमला कहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रेय नहीं जीवा भय घारी शासन मदमस्त दुर्नीतिखोर लोकंकु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना पठाउथुबा बेले योजन बाधक साजिछन्ति राज्य सरकार। राज्य में चोर हाथ में चाबी काटी विकास बाट बणा हो केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कहते राज्य में गोटे स्वेच्छाचारी शासन चली गरीबों उन्नति हो विकास हो गरीब लोक अधिकार पातु यह भूली जा राज्य शासन क्षमतार सरकार हिसाब दे धर्मेन्द्र कहते विगत दिन में दिल्ली में एकाधिक सरकार आले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भली ओडिशा विकास में कई फोकस देना ओडिशा को नरेंद्र मोदी योजना उपर योजना पहुंचा बेले एथेर बाधक साजिंट राज्य सरकार ओडिया मैंने दुखर रहा ए सरकार चाहते गरीबों एति दायित्व नहीं नहांती तेणु आज आम समस्त मिसिकी ओडिशा तरफ ओडिशार गरीब मानक तरफ माँ मानक तरफ युवक आदिवासी दलित पछुआ लोक मानक तरफ नरेंद्र मोदी को धन्यवाद जनईवा कृतज्ञता जनईवा। धर्मेन्द्र कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व गरीबों समर्पित राज्य में गरीबों विकास व्यापक योजना करा सीधा सीधा अकाउंट को टंका पठा जाउछि माँ भौनी मानकर उन्नति पई मोदी सरकार राज्य को विपुल अर्थ देउतले हे राज्य रे हे बाट मारना होउछि नरेंद्र मोदी को पैसा को ओडिया लोकन को पाखरे पहुंचेबा आपण काहे की बाधक हेबे एही पई जे ये ओडिया लोक मानकर दायित्व जदि नरेंद्र मोदी नब ताहले सीए तांकर प्रिय होई जिवो ओडिया लोक पछे कष्ट रे रहू ओडिया लोक दुख रे रहू ओडिया लोक निष्पेषित हो किंतु नरेंद्र मोदी का ना हमें ओडिशा रे पहुंचाई देबुनी ए प्रकार षड्यंत्र करथुआ लोक माने आज ओडिशा शासन रे अछथि ओडिशार पीडब्ल्यूडी कोड को पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट रो कोड को ओडिशा सरकार रे बसिथिबा लोक माने तांको दलीय लोक माने को काम बांटिबा पाई ओडिशा सरकार विभिन्न योजन कौन सी योजन भेदभाव करते ना जदि आम भेदभाव करूँ लोके समर्थन आमको दिये ना ओडिशार लोके तो बोका नुहंती तो अविरा अविचारित भाव में अविरत भाव में ओडिशार लोके आम नेता नवीन पटनायक आम दल विजु पटनायक को समर्थन दे चली चलते। मोदी सरकार को अन्यतम लोकाभिमुखी योजना होची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब कल्याण योजना
26 March 2020 ରେ କୋଭିଡ ସମୟରେ ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା। ପ୍ରଥମ 3 ମାସ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ଟକଳ ଥିଲା 1.70 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା। ପରେ ଏହାକୁ November 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ 90,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷକରି କରୋନା କାଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଥିଲା ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଭାରତବାସୀ କି ସୁଖ ଶାନ୍ତି କି ଜିନ୍ଦଗୀ କେସେ ମିଲେ ଉସୀ ଏକ ଭାବ ସେ गरीब से गरीब, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, दूर सुदूर जंगलों में रहने वाले लोग हो, पहाड़ी की चोटियों पर रहने वाले, छुटपुट रहने वाले एक आध दो परिवार हो, हर किसी का कल्याण करने के लिए जितना ज्यादा काम कर सकता हूँ उसको करता रहूँ। गरीब कल्याण योजना अधीन केंद्र सरकार मागणारे चावल देउछन्ति। परिवार प्रति सदस्य पिछा देउछन्ति 5 किलो चावल। जदि गोटे परिवार रो 5 जन सदस्य को हिसाब को निया जाए तबे परिवार पिछा आसुची 25 किलो चावल। किलो 30 टंका हिसाब रे 25 किलो चावल। एक मास पे केंद्र सरकार देउछन्ति 750 टंका। प्रति परिवार को प्रति मास रे देउछन्ति 1 किलो डाली। डाली किलो 100 टंका हिसाब रे गोटे मास रे 100 टंका देउछन्ति केंद्र सरकार। तो मु भी लाभ पाइछि, अन्य माने भी लाभ पाउछन्ति। ए जो प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण योजना कले सारा भारत वर्ष रे गोटे भल योजना कले, जो गरीब कल्याण योजना कले तांकर तीनिटि उद्देश्य थिला गरीब को हटेबा भारत वर्ष रे, गरीब श्रेणी रो जो माने अछंती ताकु उठेबा भारत वर्ष रे तांकर मुख्य काम थिला। कोनोसी व्यक्ति जे माने असुविधा रहिबोनी, अनाहार रहिबोनी, से योजना जतले कले से नेबे। ए प्रधानमंत्री आम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हेबा परठु जे गरीब मान बहुत गुड़े काम करछंती। ए जति गुड़े योजना मागणा चावल दबा आउ डाली चावल किचन किचन जिनस सब मागणा तो दिहाई पड़ी। गैस भी उज्जवला गैस भी प्रधानमंत्री तरफ से सप्लाई पड़ी। आ मु जड़े भुक्तभोगी जे कि मुझे 3 जन रोगी दरखास्त करी प्रधानमंत्री निजे ये कैंसर पेसेंट पाख 1.5 लक्ष का 2 लक्ष एम आसला लोक उपकृत हेले पैसा पठैले दरखास्त पकड़े सफल हो पैसा आस पेसेंट मैंने पाँच पैसा से प्रधानमंत्री ये जो रोगी मानी हूँ कि गरीब मानी हूँ गुड़े कम कर जनसाधारण विशेष खुशी। गरीब दिव्यांग विधवा और बार्धक्य भत्ता बाबद को मासिक दि जाऊँ 1,000 टंका। सेपरी कृषक सम्मान निधि मासिक 2,000 टंका सीधा बैंक खाता को जाऊँ। जनधन आकाउंट थी महिला मिलूँ सहायता। कोरोना काल में मसकु 500 टंका दि जा ये जो गरीब कल्याण योजना खाउटी सुरक्षा योजना ये योजना को मु वेलकम करुची एवं प्रधानमंत्री को मु स्वागत करुची एवं प्रधानमंत्री को मु धन्यवाद देवी कारण मु जने हिताधिकारी मोर प्रकृतर जो बिलो पॉवर्टी लाइन गरीब सीमारेखा तले मु अच्छी एवं जो माने गरीब सीमारेखा तले रही से माने एथिरे उपकृत होउछंती। जो 5 KG चावल सरकार जोगाउची तांकर लक्ष्य होउची जे भारत वर्ष रे केही उपवास रहिबे नाही या हूँ तांकर लक्ष्य। यहाँ हूँ सरकार गोटे महत्व योजना जो गरीब लोक मानको योजना करा जाइथिला। ए गरीब लोक माने जो उपकार पाउछन्ती बहुत से माने बंची जाइछन्ती एवं खाद्यर अभाव आउ रही नै, सरकार खाद्यर अभाव रखी नै। हिताधिकारी को मिलछि मागणारे गैस सिलिंडर। से पर निर्माण श्रमिक माने पाइछन्ती 1,500 टंका। नजर पकांतु गोटे मास रे गोटे परिवार को केते टंका देउछन्ती केन्द्रर मोदी सरकार। केवल एति की कहा जाई परे कोरोना काल रे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जनसाधारण को बंचिबार साहस देछि, जीवन बंचिबार नुवा धारा देखाई परिछि। तेनु एही योजना एक्सलेंट। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। गरीब कल्याण अन्न योजना रे राज्यवासी केते उपकृत होइछन्ति से विषय रे जानिबा पई आमे राज्यर कोण अनुकोण रे पहुंचितिलु। जानिबा को चेष्टा करथिलु वास्तविक एही योजना केते लोकंक कामरे आसीछि। लोके कहिथिले कोरोना काल रे मोदी सरकार को योजना बेस लाभदायक होइथिला, बंचिबार नुवा रास्ता देखाइथिला। प्रधानमंत्री माने तो अनेक माने ये करछन्ति स्कीम करछन्ति किंतु कोविड टाइम रे कोविड टीका दैछन्ति ताजु को गवर्नमेंट ये असहाय लोक मान को जो माने उज्ज्वला योजना रे पाइछन्ति तांको 3टा गैस दैछन्ति। तापरे रिलीफ माने दिया हि चावल जहार गहम चावल मिलुछि तांको दिया जाउछि 4 मासर मैंने एबे भी देसी वर्षे उपरे होगा मैंने चाउल मागणा मिल चलती
ଏଇଭଳିଆ ମୋଦିଙ୍କର ମାନେ ବହୁତ ଅନେକ ଅଛି ମାନେ ଇଏ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା, ସେଇ ହିସାବରେ ମାନେ ପୁଣି ଲେବର ମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଦିଆହେଇଛି ଲେବର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ, ଲେବର କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁମାନେ କରିଥିଲେ। ଖାଇବା ପିଇବା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଆମେ କିଛି ରୋଜଗାର ପତ୍ର କରିପାରିଲୁନି, କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ମିଳିଲାନି, ଆଉ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏ କୋରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ବି ବନ୍ଦ, କେଉଁଠିକି ଯାଇ ଆସି ପାରିଲୁ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖୁବ୍ ମୁହଁରେ ଦାନା ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚେଇଲୁ। ମୋଦୀ ଗରିବ ଏଇ ଯେଉଁ କୋରୋନା ସମୟରେ କିନା ଗାଡ଼ି ମଟର ଆମର ଜବରଦସ୍ତ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ଇତିହିତି ହେଇଗଲା, ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆମର ଦୁଇ ଦିନ ଅବସ୍ଥା ଚଳିଲେ, ଚଳିବା ପଛରେ ସେମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ଚାଉଳ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ୟାସ ଫ୍ୟାସ୍ ସବୁକିଛି ଆମକୁ ମାଗଣା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କେଉଁଠୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଆମେ ଚଳିଛୁ, ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରଠୁ ଯେ ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେତିକି ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା ମାଗଣା ଚାଉଳ ଦେବା ଆଉ ଡାଲି ଚାଉଳ କିଚେନ ଜିନିଷ ସବୁ ମାଗଣା ତ ଦିଆହେଇପାରୁଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ବି ଉଜ୍ଜଳା ଗ୍ୟାସ୍ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ସେଇଟା ସପ୍ଲାଏ ହେଇପାରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ଯିଏକି ମୁଁ ତିନି ଜଣଙ୍କ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ କରିଥିଲି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କାହାକୁ ପାଖକୁ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ କାହାକୁ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଏମିତି ଆସିଲା, ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଲେ, ପଇସା ପଠାଇଲେ ଦରଖାସ୍ତ ପକାଇଲେ ସଫଳ ହେଉଛି, ପଇସା ଆସୁଛି, ଲୋକମାନେ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ପଇସା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ କି ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ ଯେ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ବିଶେଷ ଖୁସି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସବୁ ସୁବିଧା ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ କରିଥିଲେ ସେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା, ଆଉ ଆମର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକିଆ ତିନି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଉଳ ଫ୍ରିରେ ଦେଇଥିଲେ, ଡାଲି ଫ୍ରିରେ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଆମର ଧନ ଯୋଜନାରେ ତିନି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାଟା ତିନି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯେଉଁଠି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଭୋକ ଉପାସରେ ମରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ତିନି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସୁବିଧାଟା କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏଇ ଯୋଜନାଟା ତ 2016 କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆଦ୍ୱାରା ବି ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ସମୟ କରୋନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ସମୟରେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କରୋନା ସମୟରେ ମାଗଣା ଡାଲି ଚାଉଳ ଗ୍ୟାସ୍ ସବୁ କିଛି ମିଳିଲା ଲୋକଙ୍କୁ, ତାପରେ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ ମିଳିଲା, ବହୁତ ପ୍ରକାର, ତାପରେ ଚାଷୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ବି କଲେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଆଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ବି ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଯୋଜନାଟା ବି ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ଆର ବହୁତ ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଲେ ବି ମୁଁ ଆହୁରି ବହୁତ ଖୁସି ହେବି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଏଇଟା ମାଗଣାରେ ଚାଉଲ ଦେଉଛନ୍, ଉଜାଲା ଦେଉଛନ୍, ଘର ଦିଦି ବଖରା ଗରିବ ଲୋକକେ ଦେଇଛନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ ମାସିକ 2000 ଲେଖାଁ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଠ କିସ୍ତି ବି ପାଉଛୁଁ, ସେଥିରୁ କିଛି ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛୁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁଁ ସେଥିର୍ଲାଗି। ଆମେ ପଉଛୁଁ ଆଜ୍ଞା, ଗ୍ୟାସ୍ ପଉଛୁଁ, ଚୁଲ୍ ପଉଛୁଁ, ତାପରେ କାଠରେ ରାନ୍ଧୁ ଇହାଦେ ସୁବିଧା ପାଇଲୁ, ଆର୍ ଘର ବି ପାଇଲୁ, କିଷାନ ଯୋଜନା ପଇସା ବି ପାଇଲୁ, ତାପରେ ଏଇଟା ତିନିହଜାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ମୁଁ ବି ଲାଭ ପାଇଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କଲେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଯୋଜନା କଲେ, ଯେଉଁ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କଲେ ତାଙ୍କର ତିନିଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଗରିବକୁ ହଟେଇବା ଭାରତବର୍ଷରେ, ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଉଠେଇବା ଭାରତବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ ଥିଲା। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ମାନେ ଅସୁବିଧା ରହିବନି, ଅନାହାର ରହିବନି, ସେ ଯୋଜନା ଯେତେବେଳେ କଲେ ସିଏ ନେବେ। ଯୋଜନାଟି ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଯୋଜନା, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଖାଇତେ ଯେଉଁ ପାଉ ଚାଉଳ ଯଦି ପାଉଛି ତେଣୁ ସେ ଉନ୍ନତ ଯୋଜନା, ତେଣୁ ମୋଦିଙ୍କର ଏ ଯୋଜନାଟି ବହୁତ ସଫଳ ଯୋଜନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଇଏ ଆମ ଦେଶରେ ଜଣେ କେହି ଗରିବ ରହିବେନି, ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଯୋଜନାଟି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଜଣେ କେହି ଜଣେ ଗରିବ ନ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏ ଯୋଜନାଟିକୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକି, ଏଇଭଳି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରି ଆମ ଦେଶକୁ ଆଗେଇବା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ,
ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ କତୁରୁ ନଗେଇକି ଘର ଦେବା କତୁରୁ ନଗେଇକି ସମଗ୍ର ଗ୍ୟାସ ଚାଉଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ତ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବେଶୀ ଆସୁଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନା। ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ ତ ସବୁବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯିବ। ଥିଲା ମୃତ୍ୟୁହାର ଥିଲା, ଅନାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନାରୁ ଯେଉଁଦିନ କତୁରୁ ଚାଉଳ ଫଳ ଡାଲି ଦୁନିଆ ଜିନିଷ ଆସିଲାଣି, ସେଦିନ କତୁରୁ ଅନାହାର ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାୟ କମିଗଲାଣି। କମିଗଲାଣି କ'ଣ, ଆଉ ନାହିଁ ବୋଧେ କହିଲେ କହିତେ ଗଲେ ଚଳେ। ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେତେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ ବି କମ୍ ହେବ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ସେ ସୁଯୋଗ ସନ୍ତାନ ମୋଦିଜୀ ବିରଳ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଯେମିତି ଅଛି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଏମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଶ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉ। ସିଏ ନଥିଲେ ହୁଏତ ଦେଶ କେଉଁ ରସା ତଳକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା ଆମେ ଏବେ ଭାବିକରି ନିଜକୁ ହୀନ ଇଏ ମନେ କରୁଛୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଲାଭବାନ ହେଇଛୁ। ଲାଭବାନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଉଜାଲା ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଛୁ ପ୍ରଥମ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଛି କ'ଣ ଆମର ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ହେଇଛି, ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ସୁମିତି ଯୋଜନାରେ ଆମେ ପାଇଛୁ 10,000 ଟଙ୍କା। 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଆମର ଭାରି ଅକଳିଆ ଥିଲା, ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲୁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ପାଇକି ଆମେ କିଛି ଉପକୃତ ହୋଇଛୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେକି ଆମେ ଦେଉଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଥିପାଇଁ ଯେ କି ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ପାଇଛୁ ଯେନ୍ଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଥିଲା ଚାଉଳ ଏକ 3 ମାସ 4 ମାସର ଫ୍ରି ଦେଇଛେ, ଆମେ ତାର ପାଇଛୁ। ଆଉ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯେନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛେ ଆମେ ଭାରି ଖୁସି ବି, ଯେନ୍ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ ଖୁସି ଦେଇଛେ, ତାମାନେ ଫ୍ରି ଦେଇଛେ, ଆମେ ସେଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି। ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ରାସନ, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଟଙ୍କା। ଗରିବ ଜନତା ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ନେବାର ନୂଆ ଦିଶା ପାଇଛନ୍ତି। ବେଶ୍ ସଫଳ ହୋଇଛି ଏହି ଯୋଜନା, ତେଣୁ ଏହି ଯୋଜନା ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ। ଆଉ ଏକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ନେଇ ଆମେ ଆସିବୁ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।